आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा आठवीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में हम लोग नवा पाठ पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में हम लोगों ने आपदा देखा, भूकंप, भूकंप का प्रबंधन, कैसे भूकंप से बच सकते हैं, भूकंप किन कारणों से आता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे आग, फायर। आग के बारे में आप जानते हैं, आग भी एक तरह से जो है अगर कहीं लग जाती है तो ये भी बहुत बड़ी आपदा है जो कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप आग को आप प्राकृतिक आपदा कहेंगे या मानव निर्मित आपदा कहेंगे, इसके बारे में आप विचार करें। तो आग दोनों तरह से लगती है, प्राकृतिक आग भी होती है और जो है जो न चाहते हुए भी लग जाती है, कि कभी कभी मनुष्य के कारण भी आग लगती है। तो आग से हम बच कैसे सकते हैं, आग किन किन प्रकार की होती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की है, कैसे लगती है। तो पहला प्रकार है अवर्गी। अवर्गी आग जो होती है, ठोस पदार्थों में जो आग लगती है उसको अवर्गी आग में रखा जाता है। सामान्यतः ज्वालाग्राही, ज्वाला जिसमें से निकलती है, ज्वालाग्राही पदार्थ से लगने वाली आग, जैसे लकड़ी है, कपास, कोयला, कागज, इन सब चीज़ों से जो आग लगती है जो है उसको अवर्गीय आग कहते हैं। यह ठंडा करके आग बुझाई जाती है, इसको पानी डाल करके या अगल बगल पानी डाल करके ठंडा करके बुझाई जाती है। दूसरा है आग का प्रकार बवर्गी। बवर्गी आग जो है द्रव रूप पदार्थ में जब आग लगती है तो उसे बवर्गी आग कहा जाता है। ज्वालाग्रही, ज्वालाग्रही द्रव पदार्थ से लगने वाली आग, जैसे पेट्रोल, तेल, वार्निश, विलायक, रसोई के तेल, रंग, इन सब चीज़ों से जो आग लगती है उसको बवर्गीय आग कहते हैं। ये पदार्थ पानी की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः इन्हें पानी से नहीं बुझाया जाता है, बल्कि झाग वाले अग्निशामक द्वारा आग बुझाई जाती है, जिसमें से झाग निकलता है। झाग के द्वारा इस आग के ज्वाला को दबा दिया जाता है, जिससे नियंत्रित किया जाता है। तीसरा है कवर्गीय आग। कवर्गीय आग जो है गैस रूप पदार्थ जो होते हैं, जैसे एसिटिलीन, घरेलू गैस जिसको एलपीजी गैस कहते हैं, इत्यादि ज्वलनशील गैसों द्वारा जब ऐसी आग लगती है तो इसको कवर्गीय आग कहते हैं। डवर्गीय आग, डवर्गीय आग जो है रासायनिक पदार्थों में लगने वाली आग जो है उसको डवर्गीय आग कहते हैं। ज्वलनशील धातु से लगने वाली आग, ज्वलनशील धातुएं हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातु, ये ज्वलनशील धातुएं हैं। ये सामान्य तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो उच्च तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती हैं, दोनों समूह की धातुएं जब पानी के साथ संयोग करती हैं तब विस्फोट होता है। तो ऐसे आग को द्वर्गीय आग कहा जाता है। ई वर्गीय आग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सामान से जब आग लगती है तो उसको ई वर्गीय आग कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल सामान, फिटिंग के साधनों के कारण लगने वाली आग, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आग प्रतिबंधक से बुझाई जाती है। अगर इस तरह की आग लगती है इलेक्ट्रिक सामान से के कारण, तो इसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो है आग बुझाने के यंत्र जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रखी जाती है, इनसे इन्हें बुझाया जा सकता है। तो आग बुझाने की विधि, अगर आग लगी हुई है तो आग हम किन विधियों से बुझा सकते हैं। आग फैलने पर उसके नियंत्रण की तीन प्रमुख विधियां हैं। इसको पहला है ठंडा करना। आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है। पानी का उपयोग पहले से होता आया है और यह सर्वत्र उपलब्ध होता है। आग पर अथवा आग के आजू बाजू में पानी डालने पर ठंडक का निर्माण होता है और आग पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। पहला तो यह पानी डालकर, लेकिन कुछ चीज़ों को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। आग कम करना, आग कम करने के लिए तथा विशेषतः तेल के कारण और बिजली के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करते हैं।
रेत अथवा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसी आग को बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा होता है और झाग जैसे पदार्थ आग पर फेंकने से भी इसका उपयोग आग ढकने जैसा आग को ढक लिए जैसे हो जाता है और यह आग बुझाने की विधि तेल के कारण लगी आग के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ज्वलनशील पदार्थ अलग करना, इस पद्धति में ज्वलनशील पदार्थ को ही अलग कर दिया जाता है, जैसे लकड़ी का सामान अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग के पास से दूर कर देना चाहिए जिससे कि उसमें आग न लगे। तुरंत लगी आग को बुझाने के लिए स्ट्रिप पंप एक सबसे उत्तम साधन है। इस पंप से आग पर सभी ओर से पानी मारकर आग बुझा सकते हैं। इस तरह का पंप रहता है तो उससे जो है आग पर चारों तरफ से पानी डाल करके पानी मार करके जो है आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय, अगर आग लग गई है तो हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, कैसे हम सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं तो इसे देखते हैं और क्या सुरक्षा कर सकते हैं कि आग न लगे, या आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे गैस का रेगुलेटर जब उपयोग में न हो उस समय रात के सोते समय और गांव जाते समय ध्यान से बंद कर देना चाहिए। आजकल हर घर में गैस का उपयोग हो रहा है, गैस एक ज्वलनशील जो है गैस है जानते हैं, तो गैस का अगर रिसाव होगा तो आग लगने की संभावना रहती है। इसलिए गैस का जब उपयोग नहीं करते हैं तो उसका रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए, रात को सोते समय भी बंद कर देना चाहिए, या कहीं आप घर बंद करके गांव वगैरह जा रहे हैं तो भी रेगुलेटर बंद करके रखना चाहिए। आग आग ऐसे ज़ोर से चिल्लाकर दूसरों को सावधान करो और मदद के लिए बुलाओ। अगर कहीं आग लग गई है तो ज़ोर से आग आग कर करके चिल्लाने से लोग सावधान हो जाते हैं, अपना भी बचाव करेंगे और मदद भी करने के लिए आ सकते हैं। इस तरह से अगर आग लगी हुई है तो लोगों को चिल्ला करके सावधान कर देना चाहिए। अग्निशामक दल को तुरंत फ़ोन करके बुलाना चाहिए। अगर जो है कहीं आग लगी हुई है तो हम अग्निशामक दल को तुरंत फोन कर देना चाहिए ताकि जो है हमें सहायता मिल सके। अग्निशामक टंकियों का उपयोग किस प्रकार करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करें, यानी अग्निशामक टंकियां कैसे उपयोग में लाई जाती हैं इसकी भी जानकारी अपने पास होना चाहिए तो आप कुछ सावधानी बरत सकते हैं। प्रथमोपचार, अगर घायल व्यक्ति को कोई आग से झुलस गया है, घायल हो गया है, तो घायल व्यक्ति को आरामदायी स्थिति में बैठाकर अथवा सुला कर रखें और तुरंत उसे डॉक्टर की सहायता लें, डॉक्टर के पास पहुंचाएं या डॉक्टर को बुलाएं, तुरंत डॉक्टर की सहायता लेना चाहिए। अगला जो है पर्वत शिला का गिरना, इस तरह का भी जो आपदाएं होती हैं, पर्वत शिला गिर जाती है जिसको भूस्खलन भी कहते हैं, लैंडस्लाइड भी होती है जिससे जो है जन धन की हानि हो सकती है। पूना ज़िले में कुछ दिन पहले इस तरह की लैंडस्लाइड हुई थी जो है जो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो कठोर चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दरारें अथवा जगह यह बड़े चट्टानों के टूटने का कारण होता है, विशेषतः अतिवृष्टि के समय पत्थरों की दरारों जगहों में पानी जाने से पत्थर का क्षरण होता है जिससे वजन बढ़ता है और इस प्रकार के पत्थर ढलान वाले प्रदेश में लुढ़कते हुए जाकर के नीचे स्थिर हो जाते हैं, नीचे रुक जाते हैं, इसे ही पर्वत शिला का गिरना कहते हैं। तो इस तरह से जो पत्थर लुढ़क कर के नीचे चले जाते हैं इसे पर्वत शिला का गिरना कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। पर्वत शिला गिरने का कारण, किन कारणों से इस तरह की लैंडस्लाइड होती है, पहला कारण है भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, तूफान, बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी पर्वत शिलाएं गिरती हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं अगर आई हुई हैं तो लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है, लैंडस्लाइड भी होती है, पर्वत शिलाएं गिरती हैं। बेशुमार वृक्ष काटने के कारण ही जमीन का क्षरण होता है। जब हम बेशुमार वृक्ष की कटाई हो जाती है तो जमीन का क्षरण होता है, इससे भी जो लैंडस्लाइड होता है, पर्वत शिला गिरती है।
पर्वतों तथा घाटियों में रास्ते बनाते समय पर्वत खोदने के कारण पर्वत कमज़ोर हो जाते हैं व उनके किनारों के पत्थर गिरते हैं। कभी कभी रास्ते बनाने के लिए सड़क बनाने के लिए पर्वतों तथा घाटियों में जो रास्ते या सड़क बनाए जाते हैं उस समय पर्वत को खोदा जाता है, काटा जाता है, जिसके कारण पर्वत कमज़ोर हो जाते हैं और उनके किनारे के पत्थर गिरते हैं। पर्वतशिला गिरने का परिणाम, पर्वतशिला गिरने से क्या परिणाम हो सकता है? पहला है, नदियों में अचानक बाढ़ आती है व नदी के मार्ग बदल जाते हैं। अगर जो है इस तरह की पर्वतशिला गिर गई है नदी के रास्ते में, नदी की रुकावट हो गई है, तो नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है और नदी के मार्ग बदल जाते हैं। जलप्रपात का स्थानांतरण होता है, कृत्रिम जलाशय का निर्माण भी होता है। अगर इस तरह का लैंडस्लाइड होने पर, पर्वतशिला गिरने पर जलप्रपात का स्थानांतरण होता है, जलप्रपात का स्थान बदल जाता है और कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। पर्वतशिला के गिरने से नीचे लगे वृक्ष भी टूट जाते हैं, ढलान पर हुए निर्माण कार्य भी ढह जाते हैं। अगर पर्वतशिला गिरती है तो उसके नीचे जो भी वृक्ष वगैरह पड़ते हैं सब टूट जाते हैं, ढलान पर हुआ अगर कोई निर्माण कार्य है तो वह भी ढह जाता है। ये सब पत्थर, मिट्टी के ढेर वृक्ष के नीचे सपाट क्षेत्र से में गिरते हैं, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर जीवित व आर्थिक हानि होती है, जीवन और अर्थ दोनों का नुकसान होता है। यातायात के मार्ग पर, लो मार्ग पर पर्वतशिला गिरने से यातायात में बाधा आती है, सड़कों पर या रेलवे लाइन पर इस तरह से अगर पर्वतशिला गिरती है तो यातायात बाधित हो जाता है। भूस्खलन होने पर उस पर लगी वनस्पतियों का जीवन नष्ट हो जाता है, वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं। आपदा निवारण तथा नियोजन प्रकृति, इस तरह की अगर जो आपदाएं आती हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका कैसे नियोजन करें, इसका एक प्रकृति है, इसको हम देख सकते हैं। विद्यालयीन आपदा निवारण के संदर्भ में नियोजन प्रकृति द्वारा आपदा के समय मदद कार पहुँचने में सुलभता होती है, इसलिए उसमें नीचे दी गई जानकारी होना आवश्यक है। नीचे एक नमूना तालिका में दी गई है, इस आधार पर आप एक तालिका तैयार करें और इससे आपको इस तरह से आपदा निवारण में का नियोजन करने में सहायता मिलेगी। पहला है प्रमुख मुद्दे, दूसरा है संकलित करने की आवश्यक बातें, कौन से मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें कौन सी बातों को संकलित करना आवश्यक है, किन किन चीज़ों को जानकारी रखना आवश्यक है। पहला है विद्यालय की प्राथमिक जानकारी, कौन कौन सी प्राथमिक जानकारी होना चाहिए। पहले विद्यालय का पूरा नाम व पता आपको मालूम होना चाहिए, मुख्याध्यापक का नाम, निवास का पता, संपर्क नंबर, मुख्याध्यापक का नाम, निवास का पता और संपर्क नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए। विद्यालय के संस्थापक और व्यवस्थापक का नाम और संपर्क नंबर और कुल कितने कर्मचारी विद्यालय में काम करते हैं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। सब जानकारी संकलित करना आवश्यक है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी समिति बनाना है, अग्निशामक, जागृति, सूचना, यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा, प्रसार माध्यम समिति, इस उप समिति में प्रत्येक 2 से 3 सदस्य, इस तरह की समितियों का गठन करना चाहिए। इमारत की विस्तृत जानकारी, जहाँ पे हमारा विद्यालय है उसकी विस्तृत जानकारी होना चाहिए, इसके लिए कुल कमरों की संख्या, कक्षाओं की संख्या, कक्षा कितनी है, छत का निर्माण का स्वरूप कैसा है, लकड़ी का है, पत्रे का है, सीमेंट का है, और इमारत की उम्र कितनी है, कितने साल की पुरानी इमारत है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके रखना चाहिए। विद्यालय के मैदान के विषय में जानकारी, विद्यालय में मैदान कैसा है, तो विद्यालय के परिसर में खुले मैदान का प्रकार कैसा है, खो खो, कबड्डी, प्रार्थना और अन्य मैदान की जानकारी रखना जरूरी है। मैदान की मुख्य रास्ते से दूरी कितना है, मुख्य रास्ते से मैदान की दूरी कितने दूर पर मैदान है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। विद्यालय की दिनचर्या क्या है, विद्यालय शुरू होने का समय, दीर्घ छुट्टी और लघु छुट्टी का समय, विद्यालय के छूटने का समय, विद्यालय में दिन भर के लिए जाने वाले विविध उपक्रम, दिन भर जो किए जाते हैं उपक्रम, ये सारी जानकारी रखना आवश्यक है।
विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएं, विद्यालय में क्या घटनाएं दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। संभावित दुर्घटनाओं के नाम और स्वरूप क्या हो सकता है, उसको सामान्य या मध्यम या तीव्र, इस तरह से जानकारी रखना आवश्यक है। पहले हुआ नुकसान, फिलहाल की गई उपाय योजना, इसके पहले अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी जानकारी और उसके बारे में क्या उपाय योजना की गई, ये भी जानकारी होना चाहिए। विद्यालय का आपदा प्रबंधन नक्शा किस तरह का है, नक्शा बनाना चाहिए। विद्यालय की सर्व इमारतें, सभी इमारतें, उनकी रचना, मैदान, प्रवेश द्वार, विद्यालय की संभावित दुर्घटनाओं की जगह, आपदा के समय सुरक्षित जगह, नज़दीक का रास्ता, ये सब बातें उसमें नक्शे में बताना आवश्यक है। सभी को नक्शे में दर्शाना चाहिए। इस नक्शे के बारे में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को भी जानकारी दे करके उसे विद्यालय के प्रवेश द्वार के पास लगाया जाना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो कि विद्यालय की सभी इमारतें कहाँ हैं, इनकी रचना कैसी है, मैदान प्रवेश द्वार कहाँ है, विद्यालय में संभाव्य दुर्घटनाओं का जगह कहाँ है, आपदा के समय सुरक्षित जगह कहाँ है, नज़दीक का रास्ता क्या है। इन सब बातों की जानकारी होने पर आपदा के समय बच्चे या विद्यार्थी बच सकते हैं, सावधानी रख करके सुरक्षित सुरक्षा किया जा सकता है। विद्यालय की तैयारी, मॉक ड्रिल भी करना चाहिए, ताकि जो है बच्चों में इसकी जानकारी हो, अगर कोई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो इनसे बचा जा सके। विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएं और आपदा के अनुसार विशिष्ट कालावधि में यानी हर महीने तैयारी की जानी चाहिए। इस समय उपस्थित विद्यार्थी संख्या, दिनांक, समय और कमियां, ये सब भी जानकारी नोट करके रखना चाहिए, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। कार्य संस्थाओं की, मतलब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि इस तरह की आपदाओं के प्रबंधन में कार्य करती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, NCS कहते हैं इसको। केंद्र शासन के भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भूकंप और विविध आपदा में संदर्भ में अनुसंधान कार्य करती है ये संस्था। इस तरह की यानी भूकंप के संबंध में, आपदा के संबंध में अनुसंधान का कार्य करते हैं कि कैसे इनसे बचा जा सके। दूसरा है भूस्खलन के संभावित परिणामों का सुनियोजित अंदाज लेने के लिए भारत सरकार ने इंडियन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट व इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इन संस्थाओं द्वारा अनुसंधान कर कार्यक्रम शुरू किया है। भूस्खलन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी व वर्ल्ड जियोलॉजिकल कोरम, इस संस्था की भी मदद ली जाती है, ताकि इस तरह की भूस्खलन से बचाव किया जा सके। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।